नमस्कार, मैं हूँ अर्णिमा द्विवेदी और बिग बॉस 14 में अब जो मसाला देखने को मिल रहा है उसके साथ हम लोग अगर व्यूअर्स के कमेंट्स को अटैच करें तो ये सामने आ रहा है कि बिग बॉस 14 धीरे धीरे अपनी रेपो पकड़ रहा है। जब तक तीन तूफानी सीनियर्स शो के अंदर थे तब तक तो लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया है इस शो को, लेकिन अब पूरा दारोमदार फ्रेशर्स के ऊपर है और फ्रेशर्स ने यहाँ पर मसाला देने की शुरुआत कर दी है। जी, बिग बॉस 14 में उभर के आई निकी तंबोली और उनके कनेक्शंस को लेकर के कंट्रोवर्सीज क्रिएट होनी शुरू हो गई हैं और अब बिग बॉस 14 में व्यूअर्स को वो मसाला मिलना दिखाई देने लगा है जो अभी तक मिसिंग था बिग बॉस 14 से। तो बिग बॉस के घर में फिलहाल दोस्ती टूटती हुई नज़र आ रही है दो ऐसे लोगों की जिनकी दोस्ती की चर्चा तब से है जब से एपिसोड शुरू हुआ था। हम बात कर रहे हैं निकी तंबोली और जान कुमार सानू की दोस्ती की। तो ये दोनों लोग जब से बिग बॉस शुरू हुआ है तब से काफ़ी अच्छे बॉन्ड में नज़र आए हैं, इनका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आया है, लेकिन सीनियर्स के जाने के बाद हुए कैप्टेंसी टास्क के दौरान दोनों की दोस्ती में दरार पड़ती हुई नज़र आ रही है। जी, निकी तंबोली ने यहाँ तक कि जान कुमार सानू से ये पूछ भी लिया कि क्या वो अपने हर दोस्त की पीठ में छुरा भोंकते हैं जिस तरीके से उन्होंने निकी तंबोली के साथ किया है। अब हम आपको बताते हैं डिटेल में कि आखिर बात क्या है। दरअसल तीनों तूफानी सीनियर्स के जाने के बाद बिग बॉस अपने पुराने वाले फॉर्मेट पे आ गया जिसमें कैप्टेंसी टास्क की शुरुआत हुई है क्योंकि फ्रेशर्स को अब इम्यूनिटी जीतनी है, कैप्टेंसी जीतनी है। तो इस कैप्टेंसी टास्क के दौरान जान कुमार सानू अपने को कंटेस्टेंट से ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो निकी तंबोली को हराना चाहते हैं और ऐसी बातें राहुल वैद्य के सामने करते हुए वो ये भूल गए कि राहुल वैद्य भी गेम खेल रहे हैं और जान और निकी के बीच में लड़ाई लगा सकते हैं। तो जान कुमार सानू ने जब ये बात कही उन्होंने राहुल वैद्य के सामने बात कही और राहुल वैद्य ने जा करके निकी तंबोली को एज इट इज़ ये सारी बातें बता दी, जिसके बाद जान कुमार सानू और निकी तंबोली के बीच में अब दरार पड़नी शुरू हो गई है, इनकी दोस्ती में अब दरार पड़नी शुरू हो गई है। तो आने वाले एपिसोड्स में ये जो अच्छे फ्रेंड्स थे इनके बीच में काफ़ी तरीके की पॉलिटिक्स और गर्मा गर्मी देखने को मिल सकती है। जान कुमार सानू के लिए भी हम आपको याद दिला दें कि निकी तंबोली ने पिछले कुछ एपिसोड्स में किसी न किसी टास्क के दौरान उस टास्क को जीतने के लिए ये कहा था कि जान कुमार सानू एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं है और उनको हराना काफ़ी आसान होगा। इस बात को लेकर के जान भी थोड़े से नाराज नजर आए थे, उन्होंने यही काम अब निकी तंबोली के साथ किया है और निकी तंबोली ने सामने से जा करके इस बात पर अपना ऑपोजिशन भी जता दिया है। हम ये भी बता दें कि निकी तंबोली और जान कुमार सानू एक दूसरे से काफी ज्यादा कनेक्टेड थे, ये कनेक्शन हीटअप हो रहा था और बिग बॉस में ये देखने में भी आ रहा था कि शायद आगे चल के इन दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता नज़र आएगा। बट हाल फिलहाल के जो एपिसोड्स आए हैं उनमें तो ये साफ देखने को नज़र आ रहा है कि अब ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं और अब ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट अपनी स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहे हैं और इनके गेम प्लान अब एक दूसरे के अगेंस्ट जाने लगे हैं। निकी तंबोली जहां अभी तक सीनियर्स को खुश करती हुई नज़र आ रही थी वहीं अब वो जैस्मिन से भी दोस्ती बढ़ा रही हैं जिनके साथ उनके अभी तक झगड़े हो रहे थे और अब वो जान कुमार सानू से दूरियाँ भी बढ़ा रही हैं। तो और जब वहीं पर जान कुमार सानू निशांत के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं और निकी तंबोली की बुराइयाँ भी सबके सामने कर रहे हैं, तो अब इन दोनों के बीच के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का क्या होने वाला है, किस तरीके से ये बॉन्ड क्या दरारों के बीच में फंस जाएगा या फिर आने वाले एपिसोड्स में इनकी दोस्ती टू बी कॉन्टिन्यूड हो जाएगी जैसे कि बिग बॉस कहते हैं, क्या सीन पलटेगा, तो किस तरीके के ट्विस्ट आने वाले हैं बिग बॉस में, ये आने वाले एक दो एपिसोड्स में ही क्लियर हो जाएगा। आप भी बिग बॉस के फन को मिस मत करिएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ।